हेलो दोस्तों, फोन चाहिए और वो भी 15,000 के अंदर, और वो भी गेमिंग होना चाहिए, प्रोसेसर अच्छा हो, बैटरी अच्छी हो। तो चिंता मत कीजिए, आपके लिए एक बहुत ही अच्छी लिस्ट लेकर आए हैं हम, जो कि 15,000 के नीचे आपको बहुत ही बेहतर गेमिंग स्मार्टफोन मिल जाएगा। तो चलिए इस लिस्ट को शुरू करते हैं दोस्तों। वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं, तो एक बार सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को एक बार लाइक जरूर कीजिएगा। शुरू करते हैं नंबर 9 से, जिसका नाम है सैमसंग गैलेक्सी M21। ये इसका एक वेरियंट है दोस्तों, 4 GB रैम और 64 GB स्टोरेज। इसकी प्राइस है 13,999 रुपये। बात करें कैमरा की तो 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है, 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा है और 5 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा है, और फ्रंट कैमरा 20 मेगापिक्सल का है। बैटरी की बात करें तो 6000 एमएएच की बहुत ही बड़ी बैटरी है, और प्रोसेसर एक्जिनोस का 9611, जो कि एक मिड रेंज में अच्छा गेमिंग प्रोसेसर साबित है। बात करते हैं नंबर 8 की, तो इस फोन का नाम है सैमसंग गैलेक्सी M30S। तो इसका वेरिएंट 4 GB रैम और 64 GB स्टोरेज वाले की कीमत है 14,999 रुपये, यानी कि कुल 15,000 रुपये। और फोन का कैमरा है 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा और 5 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा, और फ्रंट कैमरा है 16 मेगापिक्सल का फ्रंट वाला। और दोस्तों बैटरी की बात करें तो 6000 एमएएच की बड़ी बैटरी है, जो कि आपको बहुत ही अच्छी गेमिंग टाइम दे सकती है, और प्रोसेसर है एक्जिनोस का 9611। दोस्तों बात करें नंबर 7 की, तो फोन का नाम है Realme Narzo 10 में 4 GB रैम और 128 GB की स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत है 11,999 रुपये। और इस फोन के कैमरा की बात करो तो 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है, 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा है, 2 मेगापिक्सल का माइक्रो कैमरा है और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर कैमरा है, और फ्रंट कैमरा की बात करें तो 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है। दोस्तों इस फोन की बैटरी है 5000 एमएएच की, और प्रोसेसर है हीलियो G80T, जो कि 12 नैनोमीटर के ऊपर बेस्ड है। बात करें नंबर 6 की, तो इस फोन का नाम है Redmi Note 9। दोस्तों इस फोन का वेरिएंट 4 GB रैम और 64 GB स्टोरेज वाले का कीमत है 14,993 रुपये, जो कि फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है। इस फोन के कैमरा की बात करें तो 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है, 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा है, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर कैमरा है, 2 मेगापिक्सल का माइक्रो कैमरा है। अगर फ्रंट कैमरा की बात करें तो 13 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है। दोस्तों इस फोन की बैटरी है 5020 mAh की, और प्रोसेसर है हेलियो G85 का, जो कि एक नॉर्मल गेमिंग के लिए काफी ठीक है। दोस्तों बात करें नंबर 5 की, तो इस फोन का नाम है Redmi 9 Prime, जो कि एक वेरिएंट 4 GB रैम 64 GB स्टोरेज के साथ आता है, जिसकी कीमत है 11,999 रुपये। इस फोन के कैमरा की बात करें तो 13 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है, 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा है, 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर कैमरा, 2 मेगापिक्सल का माइक्रो कैमरा है, और फ्रंट कैमरा की बात करें तो 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है, और बैटरी की बात करें तो 5020 mAh की बैटरी है। दोस्तों प्रोसेसर की बात करें तो हेलियो का G80 प्रोसेसर है, जो कि नॉर्मल गेमिंग के लिए ठीक ठाक प्रोसेसर है। दोस्तों बात करें नंबर 4 की, तो इस फोन का नाम है Realme 5 Pro। इसका एक वेरिएंट है 6 GB रैम और 64 GB स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत है 14,999 रुपये। और इस फोन के कैमरा की बात करें तो 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है, 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल और 2 मेगापिक्सल का माइक्रो और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर कैमरा है, 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है, और बैटरी की बात करें तो 4035 mAh की इसकी बैटरी है। और दोस्तों प्रोसेसर की बात करें तो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का SDM712 ऑक्टाकोर प्रोसेसर है, जो कि 2.3 GHz के क्लॉक स्पीड के साथ आता है, जो कि काफ़ी बेहतर आपको एक्सपीरियंस गेमिंग का दे सकता है। बात करें नंबर 3 की, तो इस फोन का नाम है Redmi Note 8। ये इसका एक वेरिएंट 4 GB रैम और 64 GB स्टोरेज की कीमत है 13,999 रुपये। दोस्तों कैमरा की बात करें तो 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है, 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर कैमरा और 2 मेगापिक्सल का माइक्रो कैमरा है। फ्रंट कैमरा की बात करें तो 13 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है, और बैटरी 4000 एमएएच की है। प्रोसेसर की बात करें तो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 665 का इसका प्रोसेसर है, जो कि नॉर्मल गेमिंग के लिए काफ़ी बेहतर प्रोसेसर है। दोस्तों अब आते हैं नंबर 2 पर, जो कि काफ़ी अच्छा फ़ोन है दोस्तों, अभी लॉन्च हुआ है कुछ दिन पहले ही, जिसका नाम है इसका एक वेरिएंट 4 GB रैम और 64 GB स्टोरेज, जो कि सबसे बेस्ट लगता है, जिसकी कीमत है 12,999 रुपये। और इस फोन के अगर कैमरा की बात करें तो 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा है, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर कैमरा, 2 मेगापिक्सल का माइक्रो कैमरा है। फ्रंट कैमरा की बात करें तो 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है, बैटरी 4300 mAh की है। प्रोसेसर की बात करें तो MediaTek का हीलियो G90T प्रोसेसर है, और डिस्प्ले की बात करें तो 90Hz की स्मूथ डिस्प्ले है, जिसमें आपको पबजी और फ्री फायर जैसे गेम्स का काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस मिल सकता है। दोस्तों काफ़ी इंतजार के बाद अब आते हैं नंबर 1 पर, जिस फोन का नाम है Redmi Note 9 Pro। इसका एक वर्जन 4 GB रैम और 64 GB स्टोरेज वाले की कीमत है 13,999 रुपये। और इस फोन का कैमरा है 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा, 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर कैमरा और 2 मेगापिक्सल का माइक्रो कैमरा।
दोस्तों इस फोन के फ्रंट कैमरा की बात करें तो 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है और बैटरी है इसकी 5020 एमएएच की और प्रोसेसर है इसका 720G जो कि स्नैपड्रैगन का क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 720G का प्रोसेसर है जो कि काफी अच्छा हाई एंड गेमिंग भी आपको दे सकता है। दोस्तों बस आज की लिस्ट में बस इतने ही फोन थे मेरे पास और जिसमें से टॉप के 5 फोन तो इतने अच्छे हैं जिनको आप प्राइमरी फोन भी यूज कर सकते हैं और गेमिंग फोन में भी यूज कर सकते हैं, वह आपको बहुत ही बेहतर एक्सपीरियंस देंगे। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।